नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको कदम के पेड़ की महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। यह कदम का पेड़ अनगिनत औषधीय लाभ रखता है तथा इस पेड़ का एक खासी महत्व है। इसकी संपूर्ण जानकारी, औषधीय फायदे और पहचान जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, यदि आप दुनिया की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहें। यह कदम का पेड़ अधिकतर बाग बगीचों में, पार्कों में तथा सड़कों के किनारे लगाया जाता है। यह पेड़ जंगलों में भी मिल जाता है तथा कदम के पेड़ की कई प्रजातियां होती हैं। कदम के पेड़ की पहचान करना बहुत ही आसान है और एक ही बार में व्यक्ति को पता चल जाता है कि ये कदम का पेड़ है। इसके पत्ते इस तरह के होते हैं जो बड़े बड़े हो जाते हैं तथा यह पेड़ 20 फीट तक का ऊंचा हो जाता है। इसकी छोटी छोटी शाखाएं नाजुक होती हैं जो जल्दी टूट जाती हैं। इसकी सबसे खास पहचान इसके फल हैं जो इस तरह के होते हैं। कच्ची अवस्था में यह फल हरे होते हैं, उसके बाद इन पर बारीक बारीक फूल निकलते हैं। यही इसका फूल है और फल भी यही है। जब यह फल पक जाता है तो पीले रंग का हो जाता है, जो दूर से देखने पर मोतीचूर के लड्डू की तरह दिखता है। यह फल खाने में खट्टा मीठा लगता है तथा इसके अंदर अनगिनत औषधीय गुण है। जब यह फल सूख जाते हैं तो इस तरह के गहरे रंग के हो जाते हैं। इस पेड़ का तना इस तरह का होता है, आप देख लीजिए। इस कदम के वृक्ष की एक और खास बात यह है कि इसके फल आप हमेशा ही इसके पेड़ पर देख सकते हैं। इस कदम के पेड़ को भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना पहचाना जाता है। चलिए इसके कुछ नाम जानते हैं। जैसे कि संस्कृत में इसको नीप, प्रियक, कंदप, कदम्ब, व्रत पुष्प, हलिप्रिय, हिंदी में कदम, कदम्ब, उड़ीसा में नीपो, गुजराती में कदम्बा, कन्नड़ में कादाबली, तमिल में बेल्ला कदम, नेपाली में कदम, मराठी में कदम तथा मलयालम में कटप्पू नाम से जाना पहचाना जाता है। और इसका वनस्पतिक नाम है एंथोसिफेलस कदम्ब। आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं और उसको क्या नाम से जानते हैं, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। आयुर्वेदिक मत अनुसार कदम्ब कटु, रूक्ष, पित्तशामक, मूत्रल, कफ को बढ़ाने वाला, तीनों दोषों को हरने वाला, दर्द निवारक, वीर्य विकार नाशक, वीर्यवर्धक, रक्त प्रदर्द आदि गुण रखता है। इसके फल खांसी, जलन, योनि रोग, मूत्रकुच्छू, साइनस, अतिसार, प्रमेह, मेदो रोग आदि को दूर करते हैं। इसके पत्ते कड़वे, पाचक, अतिसार आदि में फायदा करते हैं। इसके कच्चे फल कफ बढ़ाने वाले, भारी, गर्म तथा रुचिकारक होते हैं। इसके पके हुए फल वात को कम करने वाले तथा कफ पित्त को उत्पन्न करने वाले होते हैं। इसका अंकुर तासीर में ठंडा होता है तथा खाने में रुचि बढ़ाता है। चलिए जानते हैं इसके कुछ औषधीय प्रयोग जिनकी मदद से आप विभिन्न रोगों को दूर कर सकते हैं। ध्यान पूर्वक वीडियो को देखिएगा। पेट की खराबी जैसे कि गैस, पाचन या डकार आने की समस्या पर इसकी ताजा पत्तियों को चबाने से तुरंत आराम मिलता है। हृदय विकारों में इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर पीने से बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। चोट और मोच आदि के दर्द में इसके पत्तों पर थोड़ा सा तेल लगाकर गर्म करके बांध देने से सूजन दूर हो जाती है तथा चोट मोट का दर्द भी ठीक हो जाता है। इसके पत्तों को चर्म रोगों पर भी लगाया जा सकता है। इसके पत्तों को पीसकर चर्म रोगों पर लगाने से चर्म रोग ठीक होता है तथा पत्तों को पीसकर घाव पर लगा देने से भी घाव जल्दी भर जाता है। अतिसार और दस्तों की समस्या में इसकी छाल का काढ़ा बनाकर पीने से तुरंत लाभ होता है। जो लोग अपने रक्त को शुद्ध करना चाहते हैं या फिर शरीर में फोड़े फुंसियां हैं या खून की कमी है, उसको दूर करने के लिए इसके फल बहुत ही लाभकारी होते हैं। इसके फलों को सुखाकर चूर्ण बनाकर रख लें और 2 से 3 ग्राम की मात्रा में रोज पानी के साथ सेवन करने से रक्त शुद्ध होता है तथा खून की कमी भी दूर हो जाती है। यदि आप चाहें तो इसके पत्तों को भी साथ में मिला सकते हैं। जो लोग हमेशा सर्दी जुकाम से पीड़ित रहते हैं, साइनस की समस्या है, एलर्जी की समस्या है, उसमें यह कदम बहुत ही अच्छा लाभ करता है। इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर रोज सुबह शाम थोड़ी थोड़ी मात्रा में पीने से बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। इसी प्रकार से यदि मुंह में छाले हो जाते हैं तो इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर कुल्ला करने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं।
गर्मियों में होने वाली मूत्र संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए यह रामबाण है। इसके फलों की थोड़ी थोड़ी मात्रा में सेवन करने से या इसके पत्तों का काढ़ा सेवन करने से मूत्र संबंधी सभी विकार दूर होते हैं, जैसे कि मूत्र त्याग करते समय दर्द का होना, जलन होना या रुक रुक कर पेशाब आना, ऐसी समस्याओं में यह बहुत ही अच्छा लाभ करता है। खांसी की समस्या में इसकी छाल के 1 से 2 ग्राम चूर्ण को शहद में मिलाकर लेने से खांसी ठीक हो जाती है। शारीरिक कमजोरी दूर करने के लिए भी कदम एक उत्तम फल है। इसके पके हुए फलों को छाया में सुखाकर चूर्ण बनाकर बराबर मात्रा में शतावरी का चूर्ण मिलाकर 2 से 5 ग्राम की मात्रा में रोज दूध के साथ सुबह शाम सेवन करने से शरीर में शक्ति आती है तथा शारीरिक कमजोरी दूर होती है और सभी प्रकार के चर्म रोग की समस्या भी दूर हो जाती है। यदि पाचन की खराबी रहती है तो आप कदम का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो कदम के काफी सारे औषधीय प्रयोग हैं, जिनको हम आगे चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आप भी इस कदम का कोई औषधीय प्रयोग जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हो सकता है आपकी दी हुई जानकारी किसी के काम आ जाए। चलते हैं, आपको फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।